आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। केमास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें केमास न्यूज ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज। आज हम मौजूद है वैशाली की धरती पर, जहाँ पर विश्व शांति स्तूप बनाया गया है, जिसका उद्घाटन जो है शंकर दयाल शर्मा पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर यूपी से चल करके, सुल्तानपुर आजमगढ़ से चल करके लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं, और ये सैकड़ों की संख्या में आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग जो है यहाँ पर ये दर्शन करने के लिए आए हैं। और पीछे भी थोड़ा सा कैमरा पीछे घुमा दीजिए, पीछे भी लोग आ रहे हैं, उधर दिखा दीजिए। और ये सैकड़ों की संख्या में यूपी से चल करके आजमगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर जिले से मिल करके लोग आए हैं। और थोड़ा सा आप ये शांति स्तूप दिखा दीजिए। ये शांति स्तूप जो शंकर दयाल शर्मा पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया सन 1993 में, और ये भगवान बुद्ध की तपोभूमि थी। यहाँ पर आम्रपाली का ये जो स्थान था, आम्रपाली का शासन था, उस शासन व्यवस्था में आम्रपाली ने जहाँ पर भगवान बुद्ध को आम्र बंदान दिया था, उसके उस स्थान पर यहाँ पर एक ऐसी जमीन खरीद करके भगवान बुद्ध का ये विश्व शांति स्तूप बनाया गया है। हम यहाँ बात करना चाहेंगे, इस टीम के लीडर हैं, जिनके अगुवाई में ये टीम यहाँ तक पहुंची है। ये हर जगह पर लोगों को ले जा करके लोगों को दर्शन कराते हैं और लोगों को भगवान बुद्ध के बारे में बताते हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, इस शांति स्तूप के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। दरअसल मेरा नाम दिवाकर बौद्ध है। आखिर तो आप रहने वाला हूँ। ये शांति स्तूप भगवान बुद्ध की स्मृति में बनाया गया है, और यहाँ जो वास्तविक प्लेस है वो आगे है। यहाँ पर मात्र एक स्मृति के रूप में यह शांति स्तूप है, और यहाँ कुछ विशेष नहीं है, लेकिन विशेष है बगल में भगवान बुद्ध की राख गाड़ी गई है। यहाँ पर भगवान बुद्ध के अस्थियों की यहाँ पर जो स्तूप बना हुआ, वहाँ पर जो लोग पूजा कर रहे हैं। खुदाई के बाद ये स्तूप को बिगाड़ दिया गया, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए छाया बना दी। यहाँ पर आठ भाग में अस्थियां बांट करके यहाँ पर जो है स्तूप बनाया गया था। ये वैशाली द्वारा आया हुआ सम्राट अशोक के द्वारा जो स्तूप बनाया गया, 84,000 स्तूपों में एक स्तूप वैशाली में है, जहाँ पर भगवान बुद्ध ने प्रथम बार यहाँ पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिला करके महिला संघ बनाया।